कुछ एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स का गोदाम 300 वाट में है। हमें ये वाला क्लास जी दिखाया अभी, आपके पास 1050 का है। देखो क्लास जी के अंदर बिट देख के तो भाई दिल खुश हो गया मेरा। हैवी सबवूफर है ये, का जो प्राइस है वो 9 से 7 वोल्ट तक चलता है। तो ये सकते हैं क्वांटिटी तो आपके पास बहुत है। 3116 मॉडल का है। अच्छा लुक है इसका, लुक देखो बहुत ही बढ़िया लुक है। ये अपना 300 रुपए का होता है, ये अपना 75 रुपए का होता है, पर 3 चैनल होता है। वैसे ये ट्रैक्टर वगैरह का है और 60 वोल्ट आउटपुट होती है। देखो राइट लेफ्ट सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ये भी ऑडियो मॉडल 300 वोल्ट में। इसका है MP3D। ठीक है, ये सारे हमारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स और आज इनका हम गोदाम दिखाएंगे आपको, एकदम बढ़िया रिवील कर देंगे। इनके पास एम्पलीफायर, क्लास डी एम्पलीफायर और जितने भी डिस्प्ले वाले एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं वो सारे दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं इनके गोदाम में, प्राइस वगैरह सब रिवील करूंगा। तो अंदर चलते हैं गोदाम में। सोलेस्को ये है अंदर। ठीक है, ये फ्रंट, यहाँ से उनका गोदाम होता है स्टार्ट। तो अंदर चलते हैं। ओके सो गाइस, ये है एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स का गोदाम। ये देख सकते हो पूरा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रैक्टर वगैरह के बोर्ड्स भी है इनके पास। ओके, तो ये बबलू भाई हैं। हेलो बबलू भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया सर। तो आज तो फाड़ देंगे हम वीडियो में। क्या दिखाने वाले हो आज वीडियो में सर? आप में हम दिखाएंगे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के, सारी वैरायटी। चलो स्टार्ट करें फिर। 90% हमारे पास सारे मॉडल अवेलेबल है अपने पास, जो ज्यादा हैवी होते हैं सारे। हाँ, सारे हैवी, नॉर्मल, मतलब जो क्लास डी में ज्यादातर जो रनिंग है ना। ओके, सारे मॉडल अपने पास, मतलब जहाँ तक है सारे दिखा देंगे हैवी बोर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। करो, तो यहाँ पे दिखाओगे आप? यही दिखाएंगे, रखें। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सीट रहूं? नहीं नहीं, सीट तो ठीक है, इसमें बैठ जाओ। ठीक है, चलो बबलू भाई अब हमें दिखाइए आप क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स के मॉडल। देखो क्लास डी में दिखाता हूँ। तो बबलू भाई ने हमें ये वाला क्लास डी दिखाया अभी, तो बबलू भाई इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके बबलू भाई बताइए क्या है? अपना T3116C2 मॉडल, ये 100 वाट में होता है, 12 वोल्ट से ऑपरेट है ये। अच्छा, इसको आराम से 10 एम्पियर दे सकते हो और 50+50 दो टू चैनल है ये। ओके, तो ये 10-10 इंची के दो स्पीकर आराम से बजा देता है। बिग 5 वोल्ट आउटपुट इसके साथ है, मतलब ब्लूटूथ के लिए जो 5 वोल्ट होती है वो इसके साथ है। ओके, इसके अंदर सारा है, सब कुछ बता देता हूँ। जैसे इधर लगेगी पावर 12 वोल्ट और आपका ये हो गई आउटपुट। ओके, जहाँ स्पीकर कनेक्ट होंगे हमारे। हाँ, स्पीकर कनेक्ट होंगे आउटपुट। ठीक है, ओके। और ये हो गया आपका, ये इधर लगेगी अपनी बास ट्रेवल। ओके, और ये यहाँ पे 5 वोल्ट ब्लूटूथ की वो आ रही है। ओके ठीक है, ये बोर्ड पूरा कंप्लीट है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। पावर दो। ओके, और स्पीकर का आउटपुट लगाओ। ओके, चालू। बोर्ड इतना बढ़िया है, जैसे कभी भी ऐसा होता है लोड ज्यादा हो गया या कोई भी दिक्कत हो गई। ओके, तो ये बोर्ड ऑटोमेटिकली कट मार जाता है। ओके, एक मिनट के लिए, ये फूकता नहीं है, फूकता नहीं है, बंद हो जाएगा, एकदम सेफ है ये बोर्ड। ओके, एक मिनट बाद बोर्ड फिर दोबारा से सुर चालू हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें एक बार, वो जो सारे वहाँ पे रख रखे हैं हम यहाँ पे रख सकते हैं उनको एक बार। गाइस ये देखिए, अब वैरायटीज देखिए। ये बक कन्वर्टर होता है। ओके, 72-97 होता है, बहुत मॉडल है सभी, सबको अभी हम दिखाएंगे ओपन करके आपको सारे होता है। ओके, ये 3116 की आईसी में है सारा। ओके, ये अपना 2.1 होता है। ओके, ये खोल के सारे एक एक करके भी दिखाता हूँ। बबलू भाई अभी हमें सारे दिखाएंगे ओपन करके पैकेट से। ठीक है, ये होगा अपना, एक ये होगा 500 वाट का मोनो, मोनो 100 वाट का मोनो होता है, ये 100 वाट का होता है। ओके, 3110 है, ये सबसे ज्यादा रनिंग है। अच्छा, बट सबसे ज्यादा रनिंग, सबसे ज्यादा सेल होता है, सबसे ज्यादा सेल इसके 1000-1500 जाता है एक साथ। ओके, इतनी क्वांटिटी में, बहुत 1000-1000 पीस, 1000-1500। ओके, तो गाइस ये जो पीस है 1000-1500 पीस में ऑर्डर होता है ये। ठीक है, इनके पास से एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से अपने पास इतने सारे मॉडल इस टाइम है। ओके ठीक है, ये सारे हमारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। हाँ बबलू भाई, हाँ जी, ये सारे अपने क्लास डी मॉडल हैं। ओके, इतने अभी मैं इसके सब चीज के बारे में बता देता हूँ। ओके, एक एक करके सारे मॉडल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो अब ये है, ये हमारा क्लास डी के अंदर सबसे हैवी बोर्ड है। सबसे हैवी? हाँ सबसे हैवी। ये 500 वाट में है मोनो, सिंगल चैनल मोनो 500 वाट। ओके, ये 6565 ट्रांसफार्मर से लगेगा, 12 वोल्ट आउटपुट देके। 12 वोल्ट आउटपुट देके। ठीक है, ओके, डीसी 12 वोल्ट। ओके, इनपुट या आउटपुट? वो आउटपुट, इनपुट, इनपुट, सॉरी, इनपुट 12 वोल्ट देंगे ना, इनपुट। ओके, 500 वाट क्लास डी है ये, मतलब 12-12 इंची के 4 स्पीकर बजाएगा। 12-12 इंची के 4 स्पीकर, ओह तेरी। 135 मैग्नेट में, 135 इसका मॉडल नंबर मैं बता दूं आपको, ये होता है IRS 2092। दिखाना भाई एक बार मॉडल नंबर, IRS 2092। ओके, क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड। ओके ठीक है, इसका मॉडल नंबर है। हाँ, इसका मॉडल नंबर है। इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस है 1300 रुपए। हाँ ओके ठीक है,
ये 3116 आए थे, ये है अपना 3116 D2 विद बास्टेबल बोर्ड है, बास्टेबल इसके अंदर अनबिल्ड है। ओके, ये 12 से 24 वोल्ट में ऑपरेट हो जाएगा। ओके ठीक है, इनबिल्ट है इसमें बेस और ट्रेबल विद सबवूफर। ओके, ये है 2.1 के थे। ओके, मतलब ये एक हो गया अपना 100 वाट सबवूफर। ओके, राइट लेफ्ट दोनों आउटपुट। ओके, 50 वाट के स्पीकर चलेंगे इससे। एक बार खोल सकते हैं हम इसको, इसकी फिटिंग भी दे रखी है इसमें, नट्स वगैरह भी है, फिटिंग्स नॉब्स वगैरह इसमें सब कुछ है। ओके गाइस, अभी इसे ओपन करके दिखाते हैं हम। ये कितने वाट का बताया बबलू भाई? ये है 200 वाट का है, ये 200 वाट का है। ओके सो गाइस, ये जो है ये 200 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड है क्लास डी का। ओके, इसमें नॉब वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगी, सब कुछ है, ये 200 वाट का है। ओके, ये आ गई इसमें इनपुट। ओके, और ये विद बास्टेबल कंप्लीट है पूरा। अच्छा, बास्टेबल एकदम कंप्लीट है, इनबिल्ट है इसमें। ओके, और ये अपना पावर लग जाएगी 12 से 24 वोल्ट, 10 एम्पीयर 5 एम्पीयर कुछ भी दे सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ जैसे आप अगर जैसे आपको सोल्ड करना तो सोल्ड भी हो सकता है। ओके, बाकी अगर कनेक्टर लगाना चाहते हो कनेक्टर का भी है इसमें। ओके, इसमें एक बूफर 2 स्पीकर है। ओके, पूरा कंप्लीट बोर्ड है, एकदम बढ़िया फीचर्स है इसके। 3116 D2 IC के अंदर होता है ये। ओके, 3116 D2। ओके ठीक है, इसका प्राइस कितना होगा भैया? इसका प्राइस है 950 रूपए। ओके सो गाइस, इस वाले क्लास डी एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो 950 रूपए है। कितने वाट का? 200 वाट का। ओके ठीक है, एकदम कंप्लीट है, एक बूफर के संग 2.1। अच्छा, 2.1 है। ओके ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना है 3110। ये देखो कितना छोटा बोर्ड है। ओके, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इससे भी आप 2 10 इंची के स्पीकर बजा सकते हो। 10 इंची के? 2 10 इंची के 12 वोल्ट 5 एम्पीयर दे के। ओके, इसके अंदर भी वही सेम फीचर है जो हमने इसके बारे में बताया था, सेम फीचर इसके अंदर, जैसे कि ये मतलब फूकेगा नहीं। अच्छा, ये भी पावर कट हो जाएगा? हाँ, पावर कट, ये भी पावर कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके ठीक है, इसकी भी पावर इतनी अच्छी है, इससे भी 10 इंची 2 स्पीकर बजा सकते हो। ओके, छोटा सा बोर्ड है, 3110 मॉडल होता है ये। सारे ब्लूटूथ के अंदर है ना? हाँ, नहीं, नो, ये विदाउट ब्लूटूथ। अच्छा, इसके कनेक्ट कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हो, आप कोई सी ब्लूटूथ लगा सकते हो। ओके ठीक है, और ये अपना मात्र 210 रूपए का होता है। ओके, अगर इसे आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये कम से कम आपको 350 रूपए का मिलेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक के पास ये सिर्फ 210 रूपए का है। ओके ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस में आपके पास है ना। हाँ, जो होलसेल रेट होता है वही। हाँ, होलसेल और जैसे रिटेल भी देती है तो हम और भी सस्ता कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, जितनी क्वांटिटी लोगे उतना सस्ता डिस्काउंट। ओके ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये 3116 सिंगल चैनल मोनो। अच्छा, मोनो में, मोनो 100 वाट मोनो। 100 वाट मोनो। ओके ठीक है, मतलब सिंगल स्पीकर चलेगा, सिंगल स्पीकर चलेगा 100 वाट का। ओके, दो भी चला सकते हो। ओके, बट एक ही पे चलेंगे दोनों। ओके ठीक है, तो ये 3116 AC में होता है। ओके, सिंगल चैनल मोनो है, इसको भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट से ऑपरेट हो सकता है ये। अच्छा, ये एक स्पीकर 12 इंची का बजाएगा बढ़िया करके। ओके, चाहे तो इस पर 10 इंची भी 2 डाल सकते हो आराम से, लेगा 10 एम्पीयर दे, 10 एम्पीयर लगाओ ये वाला ना। हाँ, 3116 मॉडल करके। ओके गाइस, इसके कंपोनेंट्स देख सकते हो आप, सारे कंपोनेंट्स एकदम ओरिजिनल है भाई, बब्लू भाई सब इंपोर्टेड है, सारे इंपोर्टेड है। ओके, इसका प्राइस कितना होगा बब्लू भाई? प्राइस है 450। 450 3116 जो 100 वाट मोनो होता है, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये कम से कम आपको 650 रूपए का मिलेगा, 650 का। हमारे पास ये ओनली 450 रूपए। 450। सो गाइस, एमबी इलेक्ट्रॉनिक सबसे चीपेस्ट माल आज पता है मार्केट में, और जहाँ तक पूरी इंडिया में कह सकते हैं। हाँ जी सर। ओके ठीक, पूरे इंडिया में इस टाइम एमबी इलेक्ट्रॉनिक को सब जानते हैं। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाले बबलू भाई? दिखा देता हूँ। सो गाइस, अभी यहाँ पे और ही वैरायटीज है, नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाले हो? 3116 में ही दिखा रहा हूँ। ओके, बारह 3116 दो चैनल में, दो चैनल में, 120 वाट होता है 60+60। ओके, 120 वाट। हाँ, 120 वाट 60+60। ओके, इसके अंदर बिट तार होता है। अच्छा, तार भी होता है इसके अंदर? हाँ, वायर, इसके अंदर एक वायर होती है। ओके, वो अपने इस पे चली जाएगी, तो ये पांच, ये भी 12 से 24 वोल्ट तक है। ओके, इसे भी आप 8-8 इंची के 2 स्पीकर चला सकते हो। ओके ठीक है, इसका प्राइस कितना होगा? इसका मॉडल नंबर है 3116। ओके, डी बारह। इसका हम सेल रेट, इसका हमारा 600 का मॉडल नंबर है 3116। ओके, डी बारह। इसका हम सेल रेट हमारा 650 रूपए। ऑनलाइन अगर इसे खरीदोगे तो आपको ये कम से कम 1050 रूपए का मिलेगा। 1050 हमारे पास ओनली 650 रूपए का, बहुत ही चीपेस्ट में। ठीक है, बहुत ही चीपेस्ट में इनके पास क्लास डी के एम्पलीफायर मिल जाएंगे आपको, एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स का गोदाम। ठीक है, अगर आपको परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, सब देख लेना आप, और जरूर कांटेक्ट करना लाजपत राय मार्केट में, इनकी शॉप है एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स। और अभी हम बैठे हैं गोदाम में, और यहाँ पे भाई दिखा रहे हैं बबलू भाई हमें सारे क्लास डी के एम्पलीफायर बोर्ड्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सोलेस्को। सो बबलू भाई, नेक्स्ट कौन सा है?
अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 7294 7294 ठीक है। इसका मॉडल नंबर है 7294 मॉडल नंबर 7294 है। ओके, इसके अंदर कई सारे क्वालिटी हैं। ओके, इसके तो एक से अंदर ब्लूटूथ अनबिल्ड है। अच्छा, इनबिल्ड है ब्लूटूथ अनबिल्ड है। अच्छा, ऑलरेडी है इसके अंदर, ऑलरेडी है, इस पे आपको कुछ नहीं करना। ओके, ओके, ये भी 12 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, दो चैनल है ये, 50+50 है ये। अच्छा, 50-50 वाट के दो स्पीकर आराम से बजेंगे। ओके, ठीक है। इसमें ये राइट लेफ्ट और पुश, ओके, ये सारे बटन इसके अंदर इनबिल्ट है। ओके, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है 7294 इसकी प्राइस की बात करें तो कितना प्राइस है? 1050 ऑनलाइन ये अपना कम से कम 1600 रुपए का बोर्ड है। 1600 रुपए हमारे पास ओनली 1050 का है। आपके पास 1050 का है और ऑनलाइन 1600 रुपए का है। और गाइस इसकी क्वालिटी देख सकते हो, सारे कंपोनेंट्स एकदम ओरिजिनल है, जैसे कि बबलू भाई ने बताया, सब कुछ ओरिजिनल है। ओके, ठीक है बबलू भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होने वाला है हमारा? गाइस बहुत सारे हैं अभी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी तो मैं देख के, वैरायटी भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मतलब इतने सारे इनके पास रखे हुए हैं गोदाम में, और सारे ट्रैक्टर वगैरह के हैवी बोर्ड्स भी अभी देखने को मिलेंगे आपको। ये देखो आप, ये भी दो चैनल 7297। अच्छा, 7297 दो चैनल, दो चैनल है। ओके, ये अपना यही होता है 80 वोट का होता है ये, 80 वोट 40+40 इतना छोटा सा 80 वोट का, छोटा 80 वोट का है ये। ओके, इसके अंदर दो स्पीकर 6-6 वोट के चल जाएंगे। ये हीट सिंक भी है इसके अंदर? हाँ, ये भी हीट सिंक है। ओके, ठीक है, हीट सिंक लगी है इसके अंदर। ये भी अपना 12 वोल्ट से आराम से चल जाएगा। ओके, 12 वोल्ट आउटपुट देने के बाद। ओके, दो स्पीकर आराम से बजते हैं इसको। ये अपना है 190 रुपए का है। 190 रुपए का बबलू भाई, एक बार दिखाओगे? 190 रुपए का है आपके पास? हाँ, ऑनलाइन ही अगर परचेज करोगे तो आपको कम से कम 350 का मिलेगा। 350 का, ठीक है। ये भी आपको होलसेल रेट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भी अभी देखेंगे हम। बबलू भाई ये मैं देखना चाहता हूँ अभी, अभी दिखा दूंगा। इसकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा यूनिक सी लग रही है मेरे को। ये कुछ और है, बताता हूँ। ओके, ठीक है, ये कुछ और है, कुछ यूनिक है, यूनिक है, ये अलग चीज है। ओके, ठीक है, अभी इसके बारे में जानते हैं गाइस। ओके बबलू भाई, देखो ये है बक कन्वर्टर। क्या कन्वर्टर? ये है बक कन्वर्टर, मतलब सेटअप डाउन कंट्रोलर। ओके, ठीक, वोल्टेज अप डाउन करने के लिए। okay. एडजस्टमेंट, जैसे आपके पास 12 वोल्ट का अडैप्टर है, आपको 36 वोल्ट का बनाना है। ओके, okay. तो इसको 36 वोल्ट बना सकते हो और प्लस 400 वाट तक। ओके, okay, मतलब 400 वाट तक लोड इस पे डाल सकते हो। ये 10 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का है। okay. एक बार खोल के देख सकते हैं हम इसकी क्वालिटी? खोल के दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल फुल इंपोर्टेड बोर्ड है। ये कन्वर्टर है, कन्वर्टर है ये मतलब एसी से डीसी या डीसी टू डीसी ये डीसी टू डीसी सेटअप डाउन कंट्रोलर है ये। okay. 10 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर ये पूरा इंपोर्टेड है। ओके, okay. ओरिजिनल है इसकी आईसी जो भी है इसमें, सारे ओरिजिनल। 400 वाट इस पे लोड आराम से डाल सकते हो। ओके, आप अपने 5 वोल्ट को 36 वोल्ट तक बना सकते हो। 5 वोल्ट को 36 वोल्ट तक? हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा फीचर देखने को मिला इसमें कन्वर्टर में। अपना है 450 रुपए का है। अगर इसको आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो कम से कम आपको ये 900 रुपए का मिलेगा। 900 रुपए का, ये भी आधे प्राइस में, कम से कम आधा प्राइस हो गया ना। ठीक है, और अभी यहाँ पे और भी रह गए हैं। एक बार ये भी बुक कन्वर्टर है, इसका छोटा भाई। अच्छा, ये छोटा भाई है इसका? ठीक है गाइस, ये कन्वर्टर का छोटा भाई है जो हमने इससे पहले देखा। ये है देखो अपना, ये भी बक कन्वर्टर है। ओके, ये है अपना बक कन्वर्टर। ओके, 300 वोल्ट में, 300 वोट में ये 300 वोट लोड तक आराम तक आराम से कर देता है। ओके, ये भी सेटअप डाउन कंट्रोलर है, ये अपना 300 रुपए का होता है। ओके, और ऑनलाइन ये 550 रुपए का है। 550 का। ओके, ठीक है, ये 9 एम्पियर का होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दिखा। अभी और भी कन्वर्टर है या सारे एम्पलीफायर? कन्वर्टर खत्म, आप एम्पलीफायर बचो। अभी एम्पलीफायर रह गए, सारे छोटे छोटे वाले हैं ना ये? एक कन्वर्टर भी बचा रहा हूँ, इसका एक और छोटा भाई। ओके, ठीक है, एक और कन्वर्टर है। ये एक और कन्वर्टर है, ये देखो, ये सबसे छोटा भाई है, ये सबसे छोटा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे रखो बबलू भाई। 6009 मॉडल, 6009 मॉडल, ये भी बक कन्वर्टर है। ओके, ये अपना 3 एम्पियर का होता है। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इसमें, ये 3 एम्पियर का कन्वर्टर है। ओके, ये वोल्टेज अप कन्वर्टर है, अप कर, मतलब ऊपर करता है, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। 5 वोल्ट को 12 वोल्ट बना देगा। अच्छा, 5 वोल्ट को 12 वोल्ट, 3 एम्पियर का होता है ये। ओके, ये अपना सेल रेट ओनली होता है 80 रुपए, 80 रुपए का। और ऑनलाइन, ऑनलाइन लोगों तो ये 120-130 रुपए का है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट कौन सा हमारा एम्पलीफायर? नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, एक ही होता है अपना 31-10 सबसे छोटा मॉडल। ओके, और सबसे ज्यादा रनिंग, सबसे ज्यादा रनिंग, ये सबसे ज्यादा आपके पास सेल होता है। हाँ, सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है, डिमांड है। अगर जब भी ये कभी भी ऑर्डर आता है, ओके, तो ये 500,000 जाते हैं। 500,000 मतलब पीसेस में, पीसेस 500,000 पीसेस केबल। ओके, ये अपना 31-10 मॉडल होता है। ओके, और ये दो चैनल होता है, 30+30 60 वाट, 60 वाट का होता है ये। ओके, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है। स्टीरियो है? स्टीरियो है, दो चैनल। ओके, ठीक है, मतलब 30+30। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। ये हमारा 170 रुपए का होता है, 170 रुपए का। ऑनलाइन लोगों तो ये 250 रुपए का है। अच्छा, ऑनलाइन 250 रुपए का है। और एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ये 170 रुपए, 170 रुपए का। ठीक है,
बहुत ही अच्छा, सबसे ज्यादा रनिंग मॉडल है, ओके, सबसे ज्यादा सेल होता है, सबसे ज्यादा सेल होता है, अच्छी क्वांटिटी में बिकता है, क्वांटिटी में जाता है 500,000, ओके, ये ही ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं ये वाला, ओके। अब हम बात करते हैं ये छोटे विद ब्लूटूथ में, अच्छा ब्लूटूथ इनबिल्ट है, हाँ ठीक है। ये देखो ये होता है अपना, अच्छा इसकी फिटिंग है, हाँ ये सारी कम्प्लीट फिटिंग है इसके साथ, गाइस देख सकते हो ये इसकी फिटिंग है कम्प्लीट यहाँ पे। इसका क्या मॉडल नंबर है? इसका है MP3D, MP3D, हाँ MP3D है ये अपना, 30+30 है, अच्छा 30-30 वाट के दो स्पीकर, 30-30 वाट के दो स्पीकर चलेंगे, स्टीरियो ये भी, ओके, विद ब्लूटूथ है ये, अच्छा ब्लूटूथ है, ठीक है। ये देखो ये इससे आराम से हम 4-4, 5-5 इंची के दो स्पीकर बजा सकते हैं, 5-5 इंची के दो स्पीकर, हाँ। ये अपना इसका ये होता है अपना 260 रुपए का होता है, 260 रुपए का, और ऑनलाइन ये 350 रुपए का है, 350 रुपए का, 260 का यहाँ पे MB इलेक्ट्रॉनिक से पास, ऑनलाइन 350 का, ओके ठीक है। इसका मॉडल नंबर क्या था? इसका मॉडल नंबर है MP3D, MP3D, ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ये दिखाता हूँ अब, PAM 8403, अच्छा PAM 8403, ओके ठीक है। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है क्लास डी में, क्लास डी के अंदर सबसे छोटा सिंगल चैनल, सिंगल चैनल, ये इसके अंदर विदाउट बास ट्रेबल भी आ रहा है, मतलब विदाउट वॉल्यूम भी आता है, ओके, लेकिन हमारे पास ये वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम वाला है, हाँ, ये अपना 75 रुपए का होता है, ये PAM 8403 मॉडल करके होता है, ओके, इसके अंदर एक वॉल्यूम है, ओके, और ये सिंगल चैनल है, ओके। अब इस 6 इंच का एक स्पीकर इससे बजा सकते हो आराम से, 6 इंच का, ओनली 75 रुपए का होता है, 75 रुपए का, कनेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, इसके अंदर ब्लूटूथ आप लगा सकते हो, ओके ठीक है। और ये अपना 75 रुपए का था, अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करोगे तो ये 150 रुपए का मिलेगा, 150 रुपए का, ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस में ये भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? अब मैं दिखाता हूँ आपको 20-30 में, 20-30 में, इसका मॉडल नंबर है 20-30, इसका मॉडल नंबर 20-30 है, ओके। ये भी अपना बहुत बिकता है, बहुत बिकता है, हाँ, ये भी ठीक ठाक सेलिंग है, सेल इसकी, ओके। ये भी दो चैनल होता है, ओके, 20-30 आईसी में होता है, 20-30 आईसी, ये 5-7 वोल्ट तक चलता है, 5-7 वोल्ट तक, आउटपुट इसकी होती है 40 वोट, 40 वोट, 20+20, हाँ ओके ठीक है, ठीक है। ये भी अपना 75 रुपीज का है, 75 रुपीज का, अच्छा 75 रुपए का, ये भी ऑनलाइन परचेज करोगे तो 140 से कम नहीं मिलेगा, 140 रुपए का, ठीक है। एमबी इलेक्ट्रॉनिक के पास केवल 75 रुपए, 75 रुपए का, ठीक है। अब लास्ट दो रह गए हैं, ठीक है, दिखाने के लिए, ये दिखाने वाले बबलू भाई, ये अब दिखाता हूँ मैं 3118, ओके 3118 मॉडल नंबर है इसका, मॉडल नंबर है 3118, आईसी नंबर, आईसी नंबर, ओके। ये भी ये सिंगल चैनल होता है, ये सिंगल चैनल होता, सिंगल चैनल, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी परचेज किया है ऑनलाइन, हाँ, मैंने अच्छा, इससे बनाया एक स्पीकर, इससे कूलर नहीं होता चाय पीने वाला, हाँ, उससे बनाया मैंने एक स्पीकर, अच्छा, अच्छा। इसका भी आउटपुट बहुत अच्छा होता है, 12 वोल्ट से चलता है, 12 वोल्ट से चलता है ये, ओके, और 60 वोल्ट आउटपुट होती है इसकी, इसको 19 वोल्ट से भी चला सकते हो, ओके, 60 वाट का एक आउटपुट है इसकी, सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल मोनो, ये हमारा 280 रुपए का होता है, 280 रुपए का, ऑनलाइन ये कम से कम 450 रुपए का मिलेगा, 450 रुपए का, ठीक है, बहुत ही चीप प्राइस में, चलो ठीक है। ये नेक्स्ट है बबलू भाई, ये मॉड्यूल है, ये लास्ट है, ये मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये, ओके। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये 4.0 ब्लूटूथ है, ये 4.0 ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये, अच्छा ये अपना 300 रुपए का होता है, 300 रुपए का, हाँ, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है ब्लूटूथ का ना, ओके ठीक है। ऑनलाइन ये 550 रुपए का मिलेगा, ऑनलाइन 550 का, हमारे पास ये केवल 300 रुपए का है, 300 रुपए का आपके पास। इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट और ये कार्ड रीडर के लिए, मतलब पेन ड्राइव के लिए भी एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स के लिए भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे बटन्स वगैरह, रिमोट सेंसर भी है इसके अंदर, हाँ हाँ सर, ओके ठीक है। कितने का? 300 रुपए का, 300 रुपए, और ऑनलाइन कितने का? 550 का, ठीक है। अब बबलू भाई अब क्या दिखाने वाले हो आप? अब मैं एक क्लास जी की 5.0 लेटेस्ट ब्लूटूथ जो अभी लॉन्च हुई है, ओके, उसके बाद वो दिखा रहा हूँ, ओके ठीक है। सबका डिस्क्रिप्शन जो देख लिया है, अब बबलू भाई हमें कुछ नया दिखा रहे हैं जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये सारे तो आपने देख लिया है ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में है ये सारे क्लास जी के एम्पलीफायर। बबलू भाई क्या दिखाने वाले हो? अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ये अभी लॉन्च हुआ है, ये अभी लेटेस्ट आई है ब्लूटूथ 5.0 में, ओके ठीक है। इसकी रेंज इतनी बढ़िया है, कनेक्ट तुरंत होता है और डिस्कनेक्ट जल्दी से नहीं होता, आवाज जो भी नहीं आएगी, अच्छा, और आवाज पे भी फर्क होता, आउटपुट भी इससे एक्स्ट्रा मिलेगी, अच्छा मिलेगा, हाँ, इतना अच्छा ब्लूटूथ है, अभी अभी लॉन्च हुई है। एक बार दिखाओ यार बबलू भाई, ये देखो 5.0 की ब्लूटूथ होती है, ये 5.0 की ब्लूटूथ होती है, अभी तक यही चल रही है, अभी तक जो लेटेस्ट में आई है, अच्छा सबसे ज्यादा यही चल रही है, सबसे ज्यादा ब्लूटूथ, ठीक है, बाकी सब 4.0 है, 2.0, 3.0 ऐसा है, ओके। इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज कम से कम है 10-15 मीटर से भी ज्यादा है, 10-15 मीटर से ही बहुत, मतलब अपना जैसे 20 मान ले, हाँ 20 मान लग, अप्रोक्स है ना, 20, ठीक है। इसका प्राइस कितना होगा? 120 रुपए की है, 120 रुपए की। इसमें ऑक्स के लिए भी जगह दे रखी है और चार्जिंग पॉइंट भी है, ऑक्स के लिए भी है, चार्जिंग पॉइंट भी है, ओके। और इसका कनेक्शन कहाँ से होगा? इसका कनेक्शन मॉड्यूल में,
अच्छा ये रहे ना, इसमें देखो राइट लेफ्ट सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अच्छा सब लिखा हुआ है। सब सारी ये रही बैटरी। ओके ये बैटरी प्लस। ओके ये बैटरी माइनस दोनों दे रखा है। और ये आ गई आपकी आउटपुट, इसको किसी भी एम्पलीफायर में आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें 12 वोल्ट देंगे। ओके मतलब 5 वोल्ट देंगे बैटरी। ओके और उसकी ये अपने किसी भी नॉर्मल सेट से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है फिर आप इसको फोन से कनेक्ट, जो ये क्लासिक एम्पलीफायर किसी से भी कनेक्ट भी लगा लो, उसको कोई से भी क्लासिक मॉडल पे ये जल्दी से काम करेगी और बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके ठीक है। इसका प्राइस कितना होगा? प्राइस है 120 रुपए का। 120 रुपए का। अगर इसे आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये 200 रुपए की मिलेगी। 200 रुपए का। ठीक है ठीक है। अब क्या दिखाने वाले बबलू भाई? कुछ ही के अंदर मैं आपको बड़ा बोर्ड दिखाता हूँ मेरे पास है। अच्छा बड़ा बोर्ड। ठीक है सो बबलू भाई हमें कुछ नया दिखाने वाले हैं। क्लास डी का एक हैवी बोर्ड दिखाने वाले हैं। देखो क्लास डी के अंदर विद ऑल फिटिंग के साथ। अच्छा ये फिटिंग के साथ एकदम। ये देख के तो भाई दिल खुश हो गया मेरा। ठीक है ये अपना 3116 हाँ D2 मॉडल करके होता है। D2 मॉडल करके ये 2.1 है। 2.1 है। 2.1 है ये आपका जो है 12 से 24 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगा। ओके ठीक है 3116 D2 उसका मॉडल नंबर है। ओके विद वॉल्यूम है। ओके ट्रबल है लेफ्ट। ओके बेस ट्रबल सब है इसमें। बेस ट्रबल एक आउटपुट का। ओके बेस ट्रबल एक आउटपुट का। ओके और ये हो गया आपका मेन वॉल्यूम। ओके और ये विद ब्लूटूथ है। अच्छा ब्लूटूथ इसके अंदर 5.0 है। 5.0 5.0 ब्लूटूथ इसके अंदर अनबिल्ट है। ओके ये बोर्ड अपना है 1800 रुपए का। 1800 रुपए का। और ऑनलाइन कितने का है? ऑनलाइन ये 2200 रुपए का बोर्ड है। सबसे हैवी बोर्ड है आपका प्लास्टिक का। ये 200 वाट में होता है। ये 200 वाट में होता है। 100 प्लस 50 प्लस 50। अच्छा 100 प्लस 50 वाट प्लस 50 प्लस 50 दो। ओके स्टीरियो है। स्टीरियो। ओके ठीक है। मतलब तीन चैनल होता है वैसे ही। ओके हाँ तीन चैनल एक बूफर दो स्पीकर। हीट सिंक भी है इसके अंदर। विद हीट सिंक। और क्या क्या फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे हमें? इसके अंदर फीचर ये है आपका ऑक्स है। ओके चार्जिंग और... चार्जिंग के लिए ये हाँ इससे चार्जिंग होगी और इसमें बोर्ड में भी मतलब बोर्ड की आउटपुट के लिए ये। ओके ठीक है। जैसे अगर आपको पावर देनी है तो आपको यहाँ से दे सकते हो, नहीं तो इसको सोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है दोनों तरफ से ऑप्शन है। विद ब्लूटूथ बोर्ड है ये। ओके और बहुत ही शानदार ओरिजिनल आईसी में बोर्ड है ये। ओके ठीक है। 5 बार स्टेबल के साथ विद कंप्लीट बोर्ड है पूरा। बहुत ही बढ़िया बोर्ड है। मतलब आपको फिटिंग विटिंग की कोई सारे कनेक्टर वगैरह सब कनेक्टर वगैरह सब इंक्लूड सब इसके साथ में। ओके ठीक है। ये सबसे बढ़िया वाला है। सबसे हैवी बोर्ड सबसे बढ़िया है। बोलू भाई ये कौन सा है? ये देखो ये भी ऑडियो बोर्ड है। नॉर्मल स्पीकर से जो बीटी स्पीकर आजकल आ रहे हैं ना, जो A006 स्पीकर है उसका है ना ये। जैसे A006 में उसमें मॉडल नंबर ये है आपका 376 बीटी। इससे दो स्पीकर नॉर्मल चला 5 वाट के 10 वाट के आराम से चल जाएंगे। ओके इससे ब्लूटूथ स्पीकर बन जाता है। क्या प्राइस होगा इसका? ये प्राइस अपना 70 रुपीज। 70 रुपीज। 70 रुपए का ये अपना ऑनलाइन चार्जिंग। ऑनलाइन 110 रुपए का। अच्छा और इसमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है? चार्जिंग पॉइंट है और यूएसबी मेमोरी कार्ड। ओके ये सारा इसके अंदर है और ये बटन राइट लेफ्ट वॉल्यूम वगैरह सब है इसके अंदर। ओके ठीक है। अब हम लिथियम सेल देखें भाई बबलू भाई। लिथियम सेल दिखाता हूँ। ओके ठीक है। अब लिथियम सेल देखेंगे। बहुत ज्यादा स्पेशल हो रही है। ठीक है एकदम पंखा वगैरह बंद करके इस गोदाम का हम ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गोदाम में। ठीक है तो अब दिखाते हैं कुछ नया लिथियम सेल दिखाते हैं इनके पास एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। ठीक है सो लेट्स गो। ये देखो अपने पास बैटरी भी होती है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट। ओके ये अपने LG की है। LG की बैटरी है ये। ओके ये 1200 mAh है अपने। 1200 mAh की। और क्वांटिटी है आपके पास सारी? क्वांटिटी और भी है अपने पास। अच्छा पर फिलहाल हम दिखा तो ये सकते हैं। क्वांटिटी तो आपके पास बहुत है ना। अगर कोई बल्क में मंगाना चाहे क्वांटिटी में तो आप ऑर्डर कितना मर्जी जितना मर्जी 1500-2000 तुरंत मिलेगी। ओके ठीक है ठीक है। ये एलजी की बैटरी होती है अपने पास। ओके इसकी पूरी गारंटी होती है। पूरी गारंटी। प्राइस कितना होगा इसका एक का? प्राइस इसका एक है 30 रुपीज। 30 रुपीज एक का। ओके सो लिथियम सेल भी मिल जाएंगे एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास। ओके बबलू भाई आपके पास वो मिलता है रॉ स्पीकर? रॉ स्पीकर जैसे ये स्पीकर है ठीक है ऐसे रॉ स्पीकर मिलते हैं आपके पास? नहीं ये स्पीकर इसमें एक ही मॉडल है। यही मॉडल है। इसका प्राइस कितना है? ये अपना 60 रुपीज का है। 60 रुपीज का है ठीक है। कितने वाट का है? ये तो 20 वाट का। 20। आप क्या दिखाने वाले हो? देखो अपने पास कैपेसिटर भी होते हैं। जुंजल के ओरिजिनल कैपेसिटर। जुंजल? जुंजल हाँ। अच्छा जुंजल का ओरिजिनल 10000 UF 100 वोल्ट का कैपेसिटर होता है अपने पास। 100 वोल्ट का। ये अपना 220 रुपए का होता है। और ये क्वांटिटी आपके पास? ये अपना क्वांटिटी है। क्वांटिटी इसकी ऐसे नहीं है और भी चाहिए तो और भी जितना हमें। कितना प्राइस? 220 230 रुपए का एक कैपेसिटर ना। ठीक है जुंजल। अच्छा ब्रांड आप क्या दिखाने वाले? ये हो गया अपना एनीकास्ट। अच्छा एनीकास्ट टीवी में। ये अपना 450 का होता है। ओके इसका ये काम है मतलब ये नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बना देगा। ओके 450 का है ना। जैसे आपका घर पे नॉर्मल टीवी है हाँ। तो आप अगर नॉर्मल टीवी में लगाओगे तो आपकी टीवी जो है स्मार्ट बन जाएगी। अच्छा इसका प्राइस कितना होने वाला है? इसका प्राइस 450। ये इसके संग डोंगल होता है।
अच्छा ये है एनीकास्ट का मेन डोंगल, मेन डोंगल ये है ओके, और ये इसकी वायर है जिसके अंदर पीछे लग जाएगी। अच्छा ये वायर है, सिंपल कनेक्शन है, सिंपल वाईफाई देके अच्छा टीवी नॉर्मल स्मार्ट हो जाएगा। आपके पास कितने का ये? अपने पास ये 2450 का है। ऑनलाइन? ऑनलाइन ये है मतलब 900 1000। हाँ 900 का है ना, आराम से ठीक है। सो गाइस ये देखो गाइस, ये दिखाता हूँ, ये सारे आपने देखे अभी अभी। बबलू भाई कुछ और भी दिखाने वाले हैं। ये क्या है बबलू भाई? ये है देखो अपना 4K बॉक्स। 4K बॉक्स, हाँ। इसका मॉडल नंबर है X90 मैट। हाँ X90 मैट ठीक है। और ये 4K बॉक्स है, ये अपना 464 में है। 464 में, 464 में है ये अपना। 2200 रुपए का है। 2200 रुपए का है ये। नॉर्मल टीवी को ये भी स्मार्ट बना देगा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। हाँ फुल 4K है, बहुत अच्छा काम है इसका। ओके बहुत अच्छा काम करता है ये। देखो X90 मॉडल होता है, इसकी लुक भी इतनी प्यारी है, फुल इम्पोर्टेड सही में बहुत प्यारी लुक है इसकी। ये देखिए गाइस, ये अपना अपने पास बहुत ही प्यारा लुक है सर। 2200 रुपए के अंडर में आपको कम से कम ये मिलेगा आपको 4200 रुपए का। 4200 रुपए का आपके पास 2200 का? 2200 रुपए का। ओके बहुत ही चीप प्राइस में ठीक है। 464 ओके। नेक्स्ट क्या दिखाने वाले बबलू भाई? अभी दिखाते हैं, ये दिखा रहा हूँ आपको 10 इंची सबवूफर। 10 इंची सबवूफर ओके। 10 इंची का सबवूफर, ये देखो 10 इंची सबवूफर ओके। इसकी ये फुल इम्पोर्टेड है ये भी। हाँ डबल मैग्नेट में, ये अपना 250 वोट है। 250 वोट, हाँ 250 वोट डबल मैग्नेट विद क्लिप के साथ। क्लिप टर्मिनल, हाँ टर्मिनल। हाँ ठीक हाँ। है ये अपना 1150 रुपए का होता है। 1150 का मतलब बहुत अच्छा सबवूफर है। बहुत अच्छा सबवूफर है, 250 वाट है, फुल इम्पोर्टेड है ये। अच्छा फुल इम्पोर्टेड है ये, इसमें स्टिचिंग के लिए ही ना। हाँ ये सिला गया है मतलब है ना। ठीक है बहुत ही अच्छा लुक है इसका। लुक देखो बहुत ही बढ़िया लुक है, हैवी है, डबल मैग्नेट में है। सही बात है। नेक्स्ट वाला देखिए हम वो सबवूफर। अभी गाइस आपको नेक्स्ट सबवूफर दिखाते हैं, बड़ा बॉक्स लाए हैं ठीक है। इसमें भी कुछ नया होने वाला है। ये देखिए गाइस एकदम न्यू पैकिंग खुल रही है आपके लिए ठीक है। एकदम स्पेशल वीडियो है गाइस, एकदम स्पेशल वीडियो। 12 इंची का सबवूफर होता है ये। 12 इंची का सबवूफर होता है ये। RMS 300 वाट का होता है। RMS 300 वाट का, फुल इम्पोर्टेड साउंड फॉक्स। साउंड फॉक्स एक जानी मानी कंपनी है ये। ओके 350 वाट आउटपुट है ये। ओके ये देखो डबल मैग्नेट में है, ये भी डबल मैग्नेट में है। फुल हैवी सबवूफर है ये। ओके मैं एक बार गाइस आपको सामने से दिखाता हूँ ठीक है। राहुल पकड़ के रखना है, साउंड फॉक्स का सबवूफर ठीक है। इसका प्राइस कितना है राहुल भाई? प्राइस 1600 रुपए का है। 1600 रुपए का, मतलब बहुत चीपेस्ट है। ऑनलाइन कितने का मिलेगा? ऑनलाइन आपको 2500 रुपए का मिलेगा। 2500 रुपए का ये सबवूफर है ना? सबवूफर है 12 इंची का। 12 इंच 300 वाट, 350 वाट RMS में। अच्छा डबल मैग्नेट के साथ 50 वाट RMS में ठीक है। ये गाइस बीटा माइक्स दिखा रहे हैं राहुल भाई ठीक है। इसका क्या प्राइस है? 250 है। 250 250 रुपए का ये। 250 रुपए का है। और ये अपना माइक इसके अंदर आएगा, इसके अंदर पैकिंग में माइक है। माइक है प्रॉपर अच्छी की तरीके से। ओके और आप अपना माइक देखो, ये फुल फिनिशिंग के साथ और फुल स्टील में है। स्टील में है। ओके मैं बार बार आपका नाम भूल जा रहा हूँ, राहुल से मतलब राहुल बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू नाम है भाई का ठीक है। और ये एकदम स्टील बॉडी में है ठीक है। बीटा माइक प्राइस कितना है इसका? 250 रुपए। दूसरी दुकानों पे ये 260 का मिल रहा है है ना? हाँ हाँ वही महंगा है। महंगा रेट में हमारे पास सबसे बजट फ्रेंडली रेट है। हाँ ठीक है। एक बार बंदा आता है तो वो दोबारा अगर घूम ले गया मार्केट में माल हमसे ही परचेज करेगा। ओके और जो राहुल भाई ये वाला बोर्ड है, ये दिखा ये वाला बोर्ड देखिए गाइस, ये ट्रैक्टर वगैरह का है? नहीं नहीं ये देखो अपना ये डीजे का मतलब का है। डीजे का? हाँ ये 200+200 है AC। 50-0 50-0 50-0 50 पे 10 एम्पीयर पे वर्क करेगा। 200+200 है ये और फुल हैवी बोर्ड है ये। ओके ये हमारी BPL कंपनी का बोर्ड है। BPL हाँ ओके। इससे आप 12 इंची के 2 स्पीकर आराम से बजा सकते हैं। आराम से ठीक है। इसकी सप्लाई भी बहुत हैवी है। ओके इसमें 10,100 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं दो ठीक है। एक बार मैं देख सकता हूँ इसको। ठीक है इस कंपोनेंट्स देखिए इसके अंदर के, मतलब सारे ओरिजिनल है। ये भी इम्पोर्टेड है? नहीं ये इंडियन है। अच्छा ये सारे इंडियन BPL कंपनी का। अच्छा BPL ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी है। क्वालिटी है ये, फुल गारंटी है इसकी। ओके ठीक है। सो गाइस ये एक हैवी बोर्ड दिखाया हमने आपको ठीक है। सो राहुल भाई तो नाम बबलू भाई बोलूंगा। सो बबलू भाई अब हम चलते हैं आपकी मेन शॉप पे जो नीचे है लाजपत राय मार्केट में, तो चलें। सो राहुल भाई यहाँ गोदाम का शॉप टूर कराने के लिए थैंक यू। ओके सो गाइस अब हम चल रहे हैं नीचे इनकी मेन शॉप पे जहाँ पे हम और भी हैवी बोर्ड देखेंगे, तो चलते हैं नीचे। सो लेट्स गो।